हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, इमरान खान फायर टिकटॉक वीडियो। पीटीआई टिकटॉक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, तो ले आए आप लोग रिक्वेस्ट पे। आप क्या बनते हैं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। चले देखते हैं इमरान खान की फायर टिकटॉक है कैसी है, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मैं भी कर दो। लेट्स सी, देखते हैं ये वीडियो कैसी है। Here we go। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं, तो आपको किसी से डर है? इमरान खान के जैसा चाहिए। जाने कितनों से किनारा करके हमने रखा है खुद को तुम्हारा करके। डर के जीना भी क्या जीना है, लगा ले जितना जोर लगाना है, रुकने की हमारी आदत नहीं, सबको फाड़ के जाएंगे। मैं वो खान हूं जो शरीफों से डरता है, बदमाशों से नहीं, माशों से नहीं। जनरल्स के लिए, लीडर्स के लिए यूटर्न बहुत जरूरी होती है। कोई भी लीडर अपने आप को अकेले को नहीं समझना चाहिए, गलतियां होती है लीडर से। बेहतर ये होता है कि गलती पहचान के, तो वो कहते हैं व्हेन यू आर इन अ होल स्टॉप डिगिंग। आपको पता होना चाहिए कि ये अब मेरे से गलती हो गई, तो अब वापस आ जाए। देश पहली ये कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है, सितंबर की आखिर में। नवाज शरीफ, फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। ओके नवाज शरीफ भाई, आओ ना यार, क्या कर रहे हो? साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं, तो आपको किसी से डर है? इमरान खान के जैसा चाहिए। जाने कितनों से किनारा करके हमने रखा है खुद को तुम्हारा करके। मैं सारी अपनी सोशल मीडिया की टीम सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मीडिया पे मुझे बंद कर दिया है, केस मेरे पे कर दिए हैं, ताकि इमरान खान की आवाज बंद हो जाए। लेकिन माशाल्लाह मेरी सोशल मीडिया के जो टाइगर है, आज अब मैं सबको सलाम करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी सोशल मीडिया की टीम को एक चीज कहना चाहता हूँ कि याद रखिए कि हमारे जो इदारे हैं, हम कभी भी अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी अगर कभी भी तनकीद हो उनके ऊपर, वो तामीरी होनी चाहिए उनकी बेहतरी के लिए। रूमी से किसी ने पूछा कि कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने कहा जब वो कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। मैंने पहले भी आज कर चुका हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने 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 लाज रखी है बुजुर्गों की, यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। एक आदमी के पीछे आपने 13 पॉलिटिकल पार्टीज, ज्यूडिशरी, इस्टैब्लिशमेंट, मीडिया और 600 करोड़ पैसे और 300 मिलियन डॉलर बाइडन से लेके एक आदमी को टू ब्रिंग हिम डाउन इतना लगा है। 29 साल हो गए, वो आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा। ये मौका है, उनकी आवाज के साथ आवाज मिला। लोग सिर्फ लड़ने वालों को याद रखते हैं, चाहे वो हारे या जीते, पीठ दिखाने वालों को कोई याद नहीं। गाइस सुनो,
आया नहीं यार, देखो यार ये गलत बात है। कितना प्यारा क्लॉक है, इसको देख के मुझे एक चीज का ख्याल आया है कि इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका। वो मैन वो मैन वो मैन ओ अब तो अनस्टॉपेबल है भाई, सही में। कि जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। तो कैसी लगी ये वीडियो? Awesome, as always. यार बहुत ही ऑसम एडिट थी, बहुत ही ज्यादा। और इमरान खान का यार क्लास अलग है, एटीट्यूड अलग है, सब कुछ, मतलब के वाइब भी बहुत अच्छी आती है और बातें बहुत ही जबरदस्त करते हैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा हमारा रिएक्शन, लाजमी बताना। और कमेंट करके बताना क्या आप लोग इमरान खान के साथ हैं, आप लोग क्या इमरान खान के टाइगर्स है कि नहीं, कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।